जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आवाज आ रही है जी आप लोगों को? आवाज आ रही है जी आप लोगों को? मैसेज कीजिएगा जी कि आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं, कमेंट कीजिएगा जी। ये सारे दोस्त जो है ना, कमेंट कीजिएगा जी कि आप लोगों को आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही है जी आप लोगों को? आगे शुरू करें जी। चलें। अच्छा जी, हमने ना पिछली क्लास में पढ़ा था, अब ये आज पांचवा लेक्चर है जी, इस पे ना लेक्चर नंबर 5 है जी। तो आज हमने ना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना सफरे शाम पढ़ना है जी। शाम का जो दूसरा सफर है ना जी, यानी एक सफर आपने पहले 12 साल की उम्र में किया था, तो दूसरा सफर आपने 25 साल की उम्र में किया है। इसको आपने ध्यान में रखिएगा कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना जी, आपको तय कि आपकी परवरिश जो है ना जी, वो आपके चाचा हजरत अबू तालब ने की थी। तो कहते हैं कि एक दफा हालात जो है ना वो थोड़े टाइट हो गए, और हजरत अबू तालब जो है ना जी, उन्होंने हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि खतीजतुल कुबरा, आप याद रखिएगा कि मक्का में ना इनका बड़ा नाम है जी, खतीजा बिनते खुवैलद बिन असद बिन अब्दुल उजा बिन कुसई, ये मतलब ये टोटल नाम आता है, क्योंकि ये कबीला बनु असद की है जी। तो ये ट्रेड बहुत अच्छी इनके ना, मतलब है कि मक्का में बड़ा नाम था जी, और इनका तजारती काफला जाना था। तो हजरत अबू तालब ने अपने भतीजे से कहा कि हालात थोड़े से तंग हैं, अगर आप चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, कि काफी हद तक जो है हमें वहां से कुछ पैसा मिल जाएगा जी। तो हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हजूर ने फरमाया कि ना मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मैं खुद जाके ना तलब करूं, अगर जो है कि अल्लाह का हुक्म होगा तो खुद ही वो, शायद वो खुद ही मुझे सिलसिले में बुला भेजें। तो हजरत अबू तालब कहते हैं कि मुझे अंदेशा है तो किसी और को मुकर्र कर देगी, फिर आप एक चीज को तलब करेंगे जो पीठ फेर चुकी होगी। लेकिन हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे खामोश हो गए जी, और लेकिन कहते हैं कि खुद ही हजरत खदीजा तुल कुबरा को जब ये पता चला गुफ्तगू का कि चाचे और भतीजे में ये गुफ्तगू हुई है, तो उन्होंने ना खुद ही पैगाम भेजा और उन्होंने कहा कि आप जो है हमारे लिए ये पैसे मुसर्रत होगा कि आप हमारा सामान लेके जाएं, क्योंकि आप सादक भी हैं और अमीन भी हैं। और कहते हैं कि एक मैसरा नामी गुलाम जो है ना जी, वो सरकार के साथ भेजा था, और बकायदा हजरत खदीजतुल कुबरा ने इनको ताकीद की थी कि खबरदार इनकी नाफरमानी ना करना और ना ही उनकी किसी राय की मुखालफत करनी। तो कहते हैं कि इस दफा एक बहुत बड़ा काफला जो है ना, यानी कि रवाना हुआ था, जितना पूरे मक्का से काफला रवाना होता था ना ऊंटों का, ये सारा काफला सरकार की मतलब है कि सुपरवियन में और मैसरा गुलाम को साथ, इस वजह से नहीं भेजा था कि उनकी कोई सरकार के ऊपर नजर रखे, बल्कि सिर्फ सरकारे दो आलम वसल्लम की हेल्प के लिए भेजा था। तो अब याद रखिएगा कि आका सल्लल्लाहु वसल्लम ये काफिला ले जाते हैं, और मैसरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई खूबियां इस दौरान जानी। एक तो ये था कि आप ने ना ट्रेड को नया रंग दिया, कि यानी कि प्रॉफिट जो है, यानी मुनाफा जो है ना जी, वो थोड़ा और सेल ज्यादा का तरीका अपनाया जी, यानी कि चीजों का रेट कम रखा और सेल को ज्यादा किया, तो उससे अल्टीमेटली क्या हो गया जी, प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया। दूसरा जो आपने किया कि आपने चीजों के अंदर जो फॉल्ट होते थे
नक्श होता था उसको पहले बताते थे, ठीक है ना जी, यानी कि कोई चीज है उसमें कोई ऐब है, ठीक है ना जी, तो ऐबदार चीज जो है ना जी उसका ऐब पहले बताते थे कि ये इसमें फॉल्ट है और इसके बावजूद ये चीज इतने की है जी। तो अपने याद रखिएगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना ट्रेड में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। जब मैसरा वापस आया तो उसने हजरत खदीजतुल कुबरा को आपके खूबियां बयान की थी, तो उससे मतलब है कि हजरत खदीजतुल कुबरा बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। और कहती हैं कि उन्होंने ना अपनी नफीसा नामी, उनकी एक दोस्त थी हजरत खदीजा तुल कुबरा की ना, नफीसा नफीसा बिनते मुनिया के नाम से आई, बिनते मुनिया, ये जो है ना जी इनके, हाँ मतलब इनको अपनी राय का इजहार किया कि अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान जाए तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम लेके कौन जाता है जी, नफीसा गई, और उन्होंने ना सरकार से कहा कि आप शादी क्यों नहीं करते। तो सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जो है ना जी वो सरमाया नहीं है, इस वजह से मैं शादी नहीं करती करता ना जी। तो आपने कहा जी कि उसकी आप फिक्र ना करें जी, वो मामला जो है वो हल हो जाएगा जी। तो इस पे फिर आप ने जब अपना इजहार किया तो फिर हजरत खदीजा तो कुबरा खुद जो है ना वो सरकार से मिली, ठीक है ना जी, और उनसे कहा कि आप सादिक भी हैं, आप अमीन भी हैं, आपकी खूबियां बयान की, तो कहा कि आप अपने चाचा को ना यानी हजरत अबू तालब को कल ना मेरे पास ना इधर भेजे। जब हजरत अबू तालब आए तो उनको कहा कि आप ना मेरे चाचे से जाके बात करें। आपको तय कि आपके चाचे का नाम क्या है जी, उमरू बिन असद, हजरत खदीजा तो कुबरा के चाचे का नाम ये है जी। तो फिर ये मामला तय हुआ जी, और सारे अरब के बड़े बड़े लोग जो है वो इस शादी में शरीक हुए थे जी, और बकायदा मतलब है कि शादी हुई है। और इसमें हजरत अबू तालब ने भी खुतबा दिया था, उमरू बिन असद ने भी दिया था, और कहते हैं कि हजूर अपना खदीजा तो कुबरा के ना जी चाचाजाद भाई वरका बिन नौफल ने भी दिया था जी। अब याद रखिएगा जो उमरू बिन असद है ना, उन्होंने ना जो खुतबा दिया था उसको ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि ऐ बिल कबाइले कुरेश गवाह रहना कि मैंने खतीजा बिनते खुवैलद का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ कर दिया है। इस पर कुरेश के सरदार गवाह मुकर्रर हुए थे, यानी बकायदा एक शादी हुई है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि हजरत खदीजा तो कुबरा जो है ना जी, उनकी ऑलरेडी भी दो शादियां हुई थी। आप याद रखिएगा कि हजरत खदीजा तो कुबरा की जो पैदाइश है ना जी, ये 555 AD की है, और 619 में आपका विसाल है जी, नबवी अगर कहेंगे तो 10 नबवी है जी, मक्का है। लेकिन इनकी पहले दो शादियां हुई थी, एक बंदे का नाम है उन्हें अबू हाला बोला जाता है जी, अबू हाला, और दूसरे हैं अतीक मखजूमी, ठीक है ना जी। ये जो अबू हाला है ना जी, इनसे एक बच्चा पैदा हुआ था हिंद बिन अबी हाला, जो हजरत खदीजा के ही औलाद थी जी, हिंद बिन अबी हाला, वो बाद में मुसलमान हुए तो बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने नाम कमाया जी। तो याद रखिएगा कि अतीक मखजूमी और अबू हाला पहले जो है ना ये मतलब है कि आपके हस्बैंड थे, लेकिन इनकी डेथ हो चुकी थी जी। हजरत खदीजा तो कुबरा के वालिद का नाम तो मैंने आपको बताया कि खुवैलद है जी, खुवैलद बिन असद, और आपकी वालदा का नाम फातिमा है जी, फातिमा बिनते जायदा, ये आपकी वालदा का नाम है। तो हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शादी हुई तो इनसे जो औलाद है जी, आपने ये भी याद रखिएगा सरकार की सारी औलाद जो है सिवाय एक बेटे के वो सारी हजरत खदीजा तुल कुबरा से है, यानी हजरत कासम, हजरत अब्दुल्ला, और हजरत जो है ना कि यानी कि आपकी चार बेटियां, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कलसूम, हजरत जैनब, और हजरत फातिमा तुज़ारा, ये सारी औलाद जो है वो सरकार की किससे है जी, ये हजरत
खदीजतुल कुबरा से जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये औलाद है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिस साल हजरत खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ है उसी साल ये हजरत अबू तालब का भी इंतकाल हुआ। पहले हजरत अबू तालब का इंतकाल हुआ तो फिर हजरत खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ। इस साल को बोलते हैं आमुल हुज्न, ये 10 नबवी है जी, गम का साल बोला जाता है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा से ना यहाँ से आप याद रखिएगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जब आपका निकाह हो गया तो सारी दौलत जो थी ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जी सारी दौलत हजरत खदीजतुल कुबरा की अल्लाह की राह में खर्च कर दी। तो हजरत खदीजा ने इस पे कोई इतराज नहीं किया। तो ये एक मैसेज है हमारी जितनी माए बहने हैं जो ये सुन रही हैं, क्योंकि ना हजरत खदीजतुल कुबरा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एक्शन पे कोई मतलब है कि बात नहीं की। क्योंकि हमारे यहाँ देखे ना जो जहेज है, पहले तो जहेज लेना ही ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई औरत लेके आती है तो वो सारी जिंदगी उसको किसी को हाथ नहीं लगाने देती। तो मकसद कहने का है कि हजरत खदीजतुल कुबरा का मैसेज है कि उनके लिए उनके हस्बैंड जो है वो सबसे कीमती चीज है। तो मतलब है कि उन्हें उनको जो है कि उनको के लिए सबसे कीमती उनके हस्बैंड होने चाहिए, ना कि उनका जहेज होना चाहिए। तो मतलब आप देखिएगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी हजरत खदीजतुल कुबरा ने जो है वो इहतराम भी किया, कदर भी की। और आपको पता है सबसे ज्यादा सब मर्दों और औरतों में सबसे पहले जो इस्लाम कबूल किया है ना जी वो हजरत खदीजा ने किया है। ये भी याद रखिएगा कि हमारे यहाँ क्या होता है, पूरी दुनिया आपको मान ले ना जी लेकिन आपकी बीवी आपको नहीं मानती थी, ठीक है ना जी। तो ये एक मतलब है कि टेक्निकल चीज है जी, क्योंकि पूरी दुनिया आपको की बातें आपकी टेक जो स्किल्स है उनको माने, लेकिन घर से आपको रिजेक्शन होती है। लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा ने ये मैसेज दिया कि सबसे पहले जो है घर से शुरू होना चाहिए और बीवी जो है उसको अपने हस्बैंड के कामों को यानी कि उसको ताईद जो है वो सबसे पहले घर से होनी चाहिए। समझ आ गई थी? तो ये हजरत खदीजतुल कुबरा का मैसेज है पूरी मुस्लिम उम्मा की खवातीन के लिए कि जनाब एक तो जो मालो दौलत है उस पर नहीं टेंशन होनी चाहिए और दूसरा सपोर्ट जो है वो कहाँ से होनी चाहिए जी, घर से। तो अब याद रखिएगा कि हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ शादी हुई है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और औलाद भी सारी जो है वो कहाँ से है जी, हजरत खदीजतुल कुबरा से। अच्छा अब आपने ना याद रखिएगा कि आगे ना एक इशू आता है जी, जब सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु वसल्लम की उम्र ना 35 साल हो जाती है तो खाना काबा की तामीर का ना जी काम आ जाता है जी। खाना काबा जो है ना उसको दोबारा से तामीर किया जाए। मैंने आपको बताया था कि पहले खाना काबा जो है वो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, फिर उसके बाद खाना काबा को कुसई बिन कलाब, ठीक है जी, उन्होंने इसको तामीर किया। मैंने बताया था कि पहला जो गिलाफ है काबा को, गिलाफ काबा वो पहले अदनान ने डाला था, यानी काबा को गिलाफ जो है। लेकिन अब ये मसला आ रहा था कि खाना काबा की जो बिल्डिंग थी ना जी वो बहुत ज्यादा ना कमजोर होती जा रही थी, ठीक है ना जी। तो इशू ये था कि खाना काबा की छत कोई नहीं था जी, ऐसे खाना काबा की ये बिल्डिंग थी, इसके दरमियान ना एक कुआं था। इस कुएं में ना लोग क्या करते थे, छत तो खत्म हो गया हुआ था तो जायरीन जो है ना वो क्या करते थे जी, वो इस कुएं में अपनी मन्नतें, अपने चढ़ावे, अपना पैसा सोना वो इधर से ना फेंकते थे। तो अब क्या हुआ जी, कहते हैं कि एक चोरी हो गई थी जी, एक बंदे का नाम है दुवेक, दुवेक नामी एक बंदे ने ना यहाँ से चोरी की थी जी। इसका पूरा नाम आपने याद रखिएगा दुवेक बनू मलिक, ठीक है ना जी, जो है कि बनू मली बिन उमरू, ठीक है जी, आपने याद रखिएगा कि उमरू फजाई, तब ये गुलाम था जी, ये जो दो एक था ना जी। तो आप याद रखिएगा कि इस दो एक वो पकड़ा तो गया जी और इसके हाथ भी काट दिए गए इस चोरी के जुर्म में। लेकिन ना मुसलमान अब जो मतलब लोग थे ना वो परेशान थे कि यार इसका कोई हल किया जाए जी और खाना काबा की बिल्डिंग को दोबारा से बनाया जाए जी।
लेकिन आप याद रखिएगा कि इनके ये ना मतलब है कि एक चीज ये भी हुई कि कहते हैं कि जहाज जो है ना वो रोम से आ रहा था, उसके ऊपर काफी सामान था जी, और उसने मतलब है कि यमन जाना था, लेकिन रास्ते में वो जहाज जो है ना वो तबाह हुआ था जी। उससे काफी सारा सामान, यानी कि लकड़ी का सामान था, तख्ते वगैरह थे, तो वो जब इधर के कुरैशी मक्का को पता चला तो इन्होंने वो सामान खरीद लिया जी। और एक बाकूम नामी जो मामार था ना जी, मिस्त्री जो था, उसको भी इन्होंने हायर किया जी। लेकिन सबसे जो बड़ा इशू आ रहा था कि वो ये कि इसको खाना काबा को जो है ना जी, इसकी बिल्डिंग को छेड़े कौन, जो ऑलरेडी बिल्डिंग है ना जी, क्योंकि इन्हें ना अबरा का अंजाम उन्होंने देखा हुआ था जी, कि अबरा ने खाना काबा गिराने आया था तो उसको मतलब है कि तबाही हुई थी जी। तो कहते हैं कि इस कौम में से एक बंदा है वलीद बिन मुगीरा मुखजूमी, उसने फिर लोगों को कहा कि ऐसा करता हूं कि ये दीवार है ना, इसके चंद पत्थर मैं आज गिरा देता हूं, अगर तो ये दीवार जो है ना जी, अगर रात का कुछ ना हुआ तो फिर सुबह सारे मिलके तो खाना काबा गिरा के नया खाना काबा तामीर कर देंगे। तो जब ये सारा सिलसिला हो गया, आपने याद रखिएगा कि इधर एक चीज आपने याद रखनी है कि हजरत अब्दुल्ला के मामू हैं, हजरत अब्दुल्ला जो हजूर के वालदे गिरामी है, उनका नाम है अबू वहाब। अबू वहाब जो थे ना जी, इन्होंने लोगों को कहा कि ऐ कुरेश कान खोल कर सुन लो, कि काबा की तामीर में अपनी पाक और हलाल कमाई के सिवा कोई चीज दाखिल ना करना, किसी बदकारा की आमदनी, किसी कोई सूद, किसी आदमी पर जुल्म से हासिल की दौलत इस फंड में आगे शामिल ना करना, यानी कि बिल्कुल हलाल कमाई जो है ना जी, उससे खाना काबा तामीर होना। वैसे तो अरबों के पास बड़े पैसे थे, लेकिन इन्होंने रोक दिया कि ये होना चाहिए। तो कहते हैं जब वलीद ने दीवार के कुछ पत्थर गिराए, रात गुजर गई तो कुछ नहीं हुआ, तो मतलब इन्होंने दोबारा जो है वो फिर उसको सारी को गिरा के फिर काम शुरू कर दिया। अब काम कैसे था जी, इन्होंने काम को ताब किया जी। कहते हैं कि जहां पे काबा का दरवाजा है ना जी, दरवाजा नसब है इस की तामीर जो है ना जी, इस दीवार की तामीर जहाँ पे, जिस दीवार में काबे का दरवाजा है, ये बनु अब्दुल मुनाफ और बनु जोरा, यानी हजूर का कबीला और हजरत आमना का कबीला जो है ना जी, उनके जिम्मे लग गई। जो जनूबी दीवार थी ना जी, यानी हिजरे अस्वद वाली, ठीक है ना जी, हिजरे अस्वद से लेके रुकने यमानी तक, ठीक है ना जी, रुकने यमानी तक जो है, ये आपने याद रखिएगा कि ये बनू मखजूम हजरत खालिद बिन वलीद का कबीला है, और चंद दूसरे कबाइल इसमें शामिल थे। और जो बैक साइड वाली दीवार है ना जी, ठीक है ना जी, मगरबी दीवार, ठीक है ना जी, मगरब वाली दीवार जो थी, उसमें जो कबीले थे ना जी, वो आप याद रखिएगा कि बनू सैम है जी, मेन कबीला बनू सैम, ठीक है ना जी, बनू जमे, ठीक हो गया जी, और बनु जमे जो है ये, और मतलब इनके साथ कुछ कबायल थे जी। और आप याद रखिएगा कि जो शुमाल वाली दीवार है ना जी, शुमाली दीवार जो है, ये तामीर की बनु अब्दुद्दार में, बनु अब्दुद्दार ये मतलब है उनके जिम्मे आई थी, मुख्तलिफ मतलब है। और इसमें बनु अब्दुद्दार के साथ बनु असद भी थे जी, हजरत खदीजतुल कुबरा का खानदान, बनु अदी भी था जी, हजरत उमर का खानदान, तो इस तरह इन सब ने मिल के ये दीवार बनाई थी। तो खाना काबा जो है उसका आपने जहन में रखिएगा कि छह अंदर ना सातून बनाए गए थे, छह सातूनों पे ना छत डाली गई थी। आप याद रखिएगा काबा का दरवाजा जो है वो जमीन से ना कुछ ऊपर रखा गया है, यानी आपने याद रखना है कि काबा जो है ये जमीन से जो है ना, काबे का दरवाजा ये ऊपर क्यों रखा गया जी, जो दरवाजा है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि जमीन से ना खासा बुलंद रखा गया, ताकि जिस बंदे को
अरब वाले यानी कुरेश जो है ना जी, वो इजाजत देंगे वही दाखिल हो, हर बंदा इसमें दाखिल ना हो। तो तकरीबन अब याद रखिएगा कि अंदर सतून कितने हैं जी, 6 सतून हैं जी, जिस पे काबा जो है, काबे की छत है जी, ठीक है ना जी। और काबा की तकमील जो है ना वो तकरीबन चकोर सूरत में है। वैसे काबा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था वो ऐसे था जी, लंबा था जी, लेकिन इनके पास क्योंकि ना सरमाया थोड़ा था तो इन्होंने इतना हिस्सा काबे का बनाया है। ये जो जगह है ना जहाँ पे हकीम है जी, आपको पता है काबे की शक्ल इस अंदाज में है जी, ये इधर से ऐसे दीवार सी है, इसको बोलते हैं हतीम। ये वाला हिस्सा जो है ना वो छोड़ दिया गया था जी। तो अब याद रखिएगा कि हतीम का हिस्सा जो है वो छोड़ा गया जी, क्योंकि सरमाया ना होने की वजह से ना जी। तो ये आपने याद रखिएगा जी, क्योंकि जो जनूबी और शुमाली दीवार है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि 10 मीटर इसकी मतलब एक लेंथ है जी, 10 मीटर की है जी, ठीक है ना। और जो मगरब और मशरक की दीवार है ना जी, ठीक है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि 12 12 मीटर है जी, यानी वो 10 10 मीटर है और ये 12 12 मीटर दीवार है, यानी थोड़ा सा फर्क है। बाकी जो है ओवरऑल क्या है जी के मतलब ये चकोर साइड पे आता है जी, समझ आ गई जी। तो दरवाजा जमीन से 2 मीटर ऊंचा है जी, आपने याद रखिएगा कि 2 मीटर जो है ना जी, ये दरवाजा जो है वो जमीन से ऊंचा है जी, ठीक है ना जी। तो अब याद रखिएगा कि ये जब बनने लग पड़ा जी, जब कंप्लीट हो गया, अब हिजरे अस्वद का ना नसब करना जो है ना वो मामला आ गया जी, कि हिजरे अस्वद को ना दीवार में क्या किया जाए जी, नसब किया जाए। तो यहाँ पे ना कबीलों में ना रौला पड़ गया, हर कबीला ये कहता था कि ये सआदत जो है ना जी वो मुझे मिलनी चाहिए। तो कहते हैं कि लोगों ने ना यहाँ तक 4 5 दिन जो है ना वो बड़ी आपस में हालात खराब हो गए, मक्का के सारे सरदार लड़ पड़े, और उसमें ये था कि हर हाल में हमने ये लेनी है। और कुछ कबीलों ने तो ये कर लिया कि खून डाल के ना जी प्याले के अंदर उसमें हाथ डुबो के कस्में खाई कि हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे अगर ये सआदत हमसे छीनी गई। तो फिर एक बंदे का नाम है जी उमरू बिन मखजूम, ठीक है ना जी। ये बंदा जो है ना जी, आप याद रखिएगा कि उमर बिन मखजूम, बल्कि कह रहा हूँ अबू उमैया मखजूमी है जी, ये भाई हैं बेसिकली इसके, अबू उमैया ये उम्र में बड़े थे, अबू उमैया बिन जो है ना मुगीरा बिन अब्दुल्ला, ठीक है ना जी, बिन उमरू बिन मखजूम, ठीक है ना जी। तो मकसद है कि अबू उमैया मखजूमी जो है ना जी, बेसिकली इन्हें बोलते हैं अबू उमैया मखजूमी, बनू मखजूम से इनका ताल्लुक है जी। इन्होंने कहा कि आए लोगों लड़ो नहीं, कल जो बंदा सबसे पहले खाना काबा में आएगा उसकी राय लेंगे कि इसको कैसे किया जाए ना जी। तो आप याद रखिएगा कि फिर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना जी वो खाना काबा में तशरीफ लाए, तो सुबह जब आए तो सब ने कहा कि सादक आ गया, अमीन आ गया जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फिर एक चादर मंगवाई, इस चादर के ऊपर हिजरे अस्वद को रखा जी, और सब लोगों को कहा कि इस चादर को उठाओ। जब ये चादर पहुंचा है ना जी, हिजरे अस्वद जो है वो पहुंचा उस जगह पे जहाँ पे नसब करना था, तो फिर सरकार ने खुद उठा के यहाँ पे नसब कर दिया। तो इस तरह एक बहुत बड़ा जो है वो लड़ाई बच गई। फिर आप याद रखिएगा कि सबसे पहले जब खाना काबा बना है ना, तो इस पे यमन अपना मिस्री गिलाफ डाला गया था, मिस्र से गिलाफ मंगाया गया, सफेद रंग का कपड़ा था जी, जो मतलब है कि इस पे डाला गया, मिस्र से आया था। फिर बाद में ना यमनी गिलाफ जो है ना जी वो डाला गया जी। फिर कहते हैं कि सबसे पहले जो है ना कि ये जो ब्लैक कलर का गिलाफ है ना जी, ये हुजाज बिन यूसुफ के जनाब मतलब है कि दौर में उसने मतलब है कि यहाँ पे डाला था जी। अब एक हिस्ट्री और भी आपने याद रखनी है खाना काबा की, मैंने आपको तो बताया था कि खाना काबा जो था हजरत इब्राहिम के दौर में, फिर कुसई बिन कलाब के दौर में, ठीक है ना जी, बना। फिर ये जब सरकार की उम्र 35 साल थी तो तब खाना काबा बनाया गया जी।
फिर आपने याद रखना है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सदीका से रवायत है कि आपने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि खाना काबा उसी तरह बनता जिस तरह मेरे दादा हजरत इब्राहिम ने बनाया था। यानी उस वक्त जो खाना काबा था इसके दो दरवाजे थे और इसकी लंबाई इतनी थी, ठीक है ना जी। तो कहते हैं कि जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर का दौर आया ना जी, अब्दुल्ला बिन जुबैर, तो उन्होंने खाना काबा को दोबारा से तामीर किया और उसी तरीके से किया जिस तरीके से ये सरकार चाहते थे। लेकिन आपको पता है कि 692 में ना हुजाज बिन यूसुफ ने मक्का पे अटैक किया, हुजाज बिन यूसुफ ने, और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद कर दिया गया। तो इस दौरान खाना काबा के ऊपर अटैक हुआ था और खाना काबा की दीवारें गिरी थी। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने ना हजरत हुजाज बिन अपना हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की नफरत में हुजाज बिन यूसुफ ने क्या किया जी, उसने ना जी ये खाना काबा को फिर दोबारा से, ये जो पहला सरकार के दौर में खाना काबा बनाया, एक दरवाजे और छोटा जो है ना वो बनाया है। लेकिन बाद में ना जो उसके आपको पता है कि उस दौर में बादशाह था, तो उसका नाम है अब्दुल मलक बिन मरवान। उसको जब पता चला कि अब्दुल्ला बिन जुबैर ने तो हजरत मोहम्मद अरबी सल्लम की उस ख्वाहिश को पूरा किया था, तो उसने बड़ा नाराज हुआ इसको हुजाज बिन यूसुफ को, उन्होंने ये क्या किया। कहते हैं कि एक ना बनू अब्बास में बादशाह हुए हैं जी मोहम्मद अल मैदी, उन्होंने जेल में आया कि क्यों ना मैं फिर ये खाना काबा को दोबारा वही सरकार की ख्वाहिश के मुताबिक बना दूं, यानी वो दो दरवाजे हों और इसकी मुस्ततील शक्ल हो। तो उन्होंने हजरत इमाम मालिक से पूछा था कि मुझे क्या खाना काबा को दोबारा से तामीर करना चाहिए, तो हजरत इमाम मालिक ने रोक दिया। उन्होंने कहा इस तरह लोग क्या करेंगे जी, हर बादशाह अपने दौर में आके खाना काबा की तामीर शुरू कर देगा, तो उससे फिर खाना काबा की अहमियत जो है ना उस वो मतलब ये मसला होगा जी। तो लिहाजा जो अब बन गया है तो उसी को ही रहने दें। तो अब ये आपने याद रखिएगा कि हुजाज बिन यूसुफ के दौर में ये खाना काबा की तामीर हुई है जी, जो आज चल रही है, ठीक है ना। तो ये समझ आ रही है जी, सारे दोस्त कमेंट कीजिएगा जी कि आप किस किस इलाके से सुन रहे हैं, और दूसरा जो है कि आप जो है कि आपको समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही, एक दफा कमेंट कीजिएगा जी सारे दोस्त। जी कमेंट कीजिएगा जी सारे दोस्त, किधर गए जी। जी आवाज आ रही है जी आप लोगों को। अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि ये तो था खाना काबा की तामीर। इधर इतना जिक्र आपसे करना है जी के हजरत जैद बिन हारसा जो है ना जी, जैद बिन हारस, ये आपको पता है कि सरकार के क्या थे जी, मुंह बोले बेटे थे जी। इनके बारे में आपको बता दूं कि इनका असल नाम जो है ना जी, ये जैद बिन हारसा, ये बनू कलब एक कबीला है जी, ठीक है ना जी, वहां से इनका ताल्लुक था जी। इन्हें सराहील अल कलबी, यानी के हारस है, हारस बिन सराहील अल कलबी जो है ना जी, उनकी इनकी वालदा का नाम सादी था जी, सादी बनी बनी महान कबीले की वो खातून थी जी। कहते हैं कि इनके कबीले पे अटैक हुआ था, एक ना बनी कैन है जी, बनी कैन कबीला है जी, उन्होंने ना इनके कबीले पे अटैक किया और इधर से इनको गुलाम बना लिया, और हजरत जायद छोटे बच्चे थे, इनको ना अकाज के मेले में ना जी, अकाज के मेले में फरोख्त कर दिया गया।
और वो खरीदा किसने था जी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु वसल्लम की जो वाइफ है ना, हजरत खदीजतुल कुबरा, उनके भतीजे थे हकीम बिन हजाम, उन्होंने 400 दिरहम में खरीदा था हजरत हारिस को ना जी, अपना जैद बिन हारिस को, और फिर उन्होंने हजरत खदीजतुल कुबरा को इनको दे दिया जी। और जब शादी हुई है ना, तो सरकार को गिफ्ट के तौर पे हजरत जो है कि खदीजतुल कुबरा ने ना ये मतलब एक गिफ्ट के तौर पे सरकार को दे दिए थे। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु वसल्लम के पास ना जो जैद के वालद और इनके चाचा आए थे, उन्होंने कहा जी के जैद की जो भी कीमत बनती है हम देने के लिए तैयार हैं, आप जैद को हमारे साथ भेज दे। तो सरकार ने कहा कि अगर जैद खुद जाने के लिए तैयार है तो मैं कोई कीमत नहीं लूंगा और मैं आपके साथ भेज दूंगा। लेकिन जैद से पूछा गया तो हजरत जैद बिन हारिस ने कहा कि मैं सरकार के पास ही रहूंगा, मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस पे फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जैद को आजाद कर दिया और अपना बेटा बना लिया। अब याद रखिएगा सूरत एजाब में बकायदा जिक्र आया है जी हजरत जैद बिन हारिस का ना जी, कि जैद बिन हारिस जो है ना जी, उन्होंने क्या किया जी, सरकार ने उनको अपना मुंह बोला बेटा बनाया था जी। तो अब याद रखिएगा कि हजरत जैद बिन हारिस जो है जी, ये सरकार के मुंह बोले बेटे हैं जी, इनका जिक्र जो है ना वो सूरत एजाब में इनका बकायदा नाम आया है। तो पूछे ना कि किस सहाबी का नाम आया है कुरान में, तो जैद बिन हारसा का नाम आया है। समझ आ गई जी। तो अब याद रखिएगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला जो दौर है ना, ये आपने याद रखना है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ना फिर नज़ूले वही जो है ना जी, उसका सिलसिला स्टार्ट हुआ है जी। क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किधर जाना शुरू कर दिया था जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में, जब आपकी तकरीबन उम्र जो है ना वो 37 साल हुई है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गारे हिरा में जाना शुरू किया था। अब याद रखिएगा कि गारे हिरा जो है ना, ये मक्का से ना तकरीबन 3 मील के फासले पे है, 3 माइल के फासले पे है गारे हिरा। और ये तकरीबन गार जो है ना, कहते हैं कि 4 गज जो है ना ये लंबी है जी और 2 गज चौड़ी है जी, यानी इसमें एक बंदा ही मुश्किल से लेट सकता है जी। लंबी जो है वो 2 गज है, अपने 4 गज है, और इसकी चौड़ाई जो है ना जी वो 2 गज है जी। तो मतलब यहाँ पे 3 माइल के फासले पे एक चटियल मैदान है, इस पहाड़ को आप बोलते हैं जबले नूर, ठीक है ना जी, जबले नूर आपने याद रखेगा कि इसको बोला जाता है जी जबले नूर जो है इसको। तो यहाँ पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो जाना शुरू हो गए, और हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं कि कई कई दिन सरकार जो है ना वो यहाँ पे स्टे करते थे। तो आपने याद रखिएगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी उम्र 40 साल हुई है ना, तो एक दिन फिर यहाँ पे फरिश्ता नाजिल हुआ है, जिसका मतलब है उन फरिश्ते ने आके क्या कहा जी, इकरा इकरा बिस्मे रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, आपको तय सूरत अलक की ना जी 5 आयात नाजल हुई है पहली दफा। सरकार दो आलम सल्लम को कहा गया कि इकरा, आपने कहा आना बेकारियन, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी। कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 2 से 3 दफा आपको सीने से लगाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से फिर कहा कि इकरा, लेकिन आपने वही रखा जवाब। तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आगे आगे पढ़ा और पीछे पीछे सरकार ने पढ़ा। ये टाइम आपने याद रखिएगा कि कहते हैं कि 21 रमजान कहते हैं, 21 रमजान उल मुबारक पीर का दिन था जी, और ये 10 अगस्त 610 AD का जी बनता है जी, जब ये पहली वही नाजल हुई है। कमरी साहब में ना सरकार की उम्र जो है ना वो 40 साल 6 माह बनती है जी, ठीक है ना जी, और 12 दिन कमरी साहब से। शमसी साल जो है ना, इसमें सरकार की उम्र 39 साल
माह और 22 दिन लगेंगे। यानी आप बताए, शमसी साल बड़ा होता है, कमरी साल छोटा होता है। तो कमरी में आपकी उम्र जो है वो 40 साल से ऊपर है, लेकिन शमसी साल में आपकी उम्र 39 साल 3 माह और 22 दिन है। समझ आ गई? तो ये आपने याद रखिएगा, यानी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है। तो जब आपको ये आप वही आ गई पहली वही, तो हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए तो वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे जी। तो वरका बिन नौफल के पास आपको हजरत खतीजतुल कुबरा ले गई। खतीजतुल कुबरा जो है आपकी वाइफ जो है वो आपको कहाँ ले गई जी? यहाँ पे भी आपको मैसेज बता दूं कि खतीजतुल कुबरा हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना जी, आपने याद रखिएगा, जब आप परेशान आए तो हजरत खतीजा ने आपको तसल्ली दी कि या रसूल अल्लाह आप गरीबों की मदद करते हैं, आप मोहताजों का साथ देते हैं, अल्लाह ताला आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा जी। तो ये भी एक अच्छी वाइफ की खूबी है कि जब उसका हस्बैंड जो है वो कहीं से परेशान आए तो उसको तसल्ली दी जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। अब होता है हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर किसी बंदे की जॉब चली गई है या कारोबार में घाटा पड़ गया है, वो परेशान होकर घर आता है, तो आगे बीवियां पता है क्या कहती हैं, तू है ही मनहूस, जब से मैं इधर आई हूँ ना तेरा तो कोई काम भी सीधा नहीं चल रहा ना। तो मतलब कि वो बंदा टूट जाता है कि यार सारा दुनिया जो है ना वो उसके साथ मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन अब इस बंदे के साथ कैसे लड़ूंगा जी। तो याद रखिएगा कि हजरत खदीजतुल कुबरा ने मैसेज दिया है कि हर औरत जो है जब भी उसका हस्बैंड जो है वो परेशान हो के आए, टेंशन हो, तो वो उसको सपोर्ट करे। तो हजरत खदीजतुल कुबरा अपने चाचाजाद भाई वरका बिन नौफल के पास ले गई थी, और उन्होंने जब सारा हिसाब लगाया तो उन्होंने कहा कि ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहि सलाम पे नाजिल होता था, तो अल्लाह ताला आपको कोई जिम्मेदारी जो है ना वो दे रहा है जी, और ये जो कौम है ना जी ये आपकी कौम आपको यहाँ से निकाल देगी। अगर मैंने आपका जमाना पाया तो मैं जरूर आपकी मतलब है कि फॉलो भी करूंगा और मदद भी करूंगा। लेकिन कहते हैं कि वरका बिन नौफल कुछ अरसे बाद ही सरकार की एलान नबूवत से पहले ही, यानी कि जब आपने तबलीग का हुक्म दिया है तो उससे पहले क्या हो गया, इनका विसाल हो गया। तो याद रखिएगा कि सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ना जी जो पहली वही के बाद 3 माह कहा जाता है जी कि 3 माह तक जो है ना वही नाजल नहीं हुई, तो उसको बोलते हैं वही का रुक जाना। ये 3 माह का ना मतलब है कि अरसा जो है ना वो किताबों में आया है जी कि रुक गया था जी। तो लेकिन उसके बाद फिर 4 आयात नाजल हुई हैं सूरते मुदस्सर की जी, ठीक है ना, या अयुहल मुदस्सिर। तो 4 आयात सूरत मुदस्सर की आपने याद रखिएगा कि दूसरी वही में नाजल हुई है। तो वही जो है ना जी, इसका आपने ध्यान में रखना है कि वही बेसिकली जो है इसकी काफी सारी किस्में हैं जी, तकरीबन 8 किस्में की वही आई है जी। वही आपने याद रखिएगा कि एक सच्चा ख्वाब की वही की सूरत में है, सरकार दो अलग नबी का ख्वाब सच्चा होता है तो ये भी एक वही की शक्ल है जी। इसी तरह फरिश्ता आए अपनी शक्ल में या फरिश्ता आए इंसानी शक्ल में, अब होता है कई दफा फरिश्ते जो है ना जी ये इंसानी शक्ल में भी आए हैं और कभी कभी ओरिजिनल हालत में भी आते हैं। फिर ये आता है कि कभी कभी साहबा कहते थे घंटी की आवाज आती थी, सरकारे दो आलम वसल्लम के चेहरे से ना जी हमें पता चल जाता था तब्दीली से ना कि जी। तो आपने ना याद रखना है कि कभी कभी यह था कि अल्लाह की जात जो है वो पर्दे के पीछे से हम कलाम हो जाए, फिर आप बोलते हैं अल्लाह जो है वो दिल में बात डाल दे, ये भी एक मतलब है कि दिल में बात डालना जो है ना जी ये भी एक वही की किस्म है। फिर आप बोलते हैं डायरेक्ट अल्लाह से मुलाकात हुई मेराज के मौके पर। तो इस सारे मामलात को हम क्या बोलते हैं जी, वही बोलते हैं जी वही। आपने याद रखिएगा कि वही के मामला जो 8 किस्म की वही है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तबलीग का हुक्म हुआ जी, यानी दूसरी वही में ना आप याद रखिएगा कि सरकार को हुक्म हुआ कि तबलीग करें। तो अब आपने याद रखिएगा तबलीग जो है ना जी वो किस चीज की करनी थी, आपको बताना जी। नंबर 1 है तौहीद, तौहीद का करना है जी, योम आखरत पे ईमान का करना है जी, योम आखरत पे ईमान लाया जाए जी।
और तज़किया है नफ्स किया जाए, अपनी जो है वो पाकीज़गी के जोर दिया जाए और अपने सारे मामला जो है अल्लाह के हवाले किए, सारे मामला आपने ध्यान रखिएगा किसके हवाले किए जाएंगे, अल्लाह के हवाले किए और नबी की रिसालत पे ईमान लाना, ये असल में मुद्दा था जी जिस पे तबलीग करनी थी, लोगों को बताना था कि जनाब आप लायक है, योम आखरत है, फिर के अल्लाह सारे मामला अल्लाह के वाले और नबी की रिसालत पे जोर दिया जाए। सरकार की जो तबलीग है ना जी मक्का में, मक्की जिंदगी में तीन दौर हैं जी तबलीग के। पहली तबलीग है खुफिया, यानी कि पहले सिर्फ अपने घर वालों को पसे पर्दा जिसे हम बोलते हैं जी, पर्दे के अंदर तबलीग, ये तकरीबन 3 साल का ये दौर है जी पसे पर्दा। फिर सरकार में 3 साल बाद हुक्म आ गया कि आप ओपन तबलीग करें, खुल मुखुल्ला जो है ना जी ये आप जो है तबलीग करें ओपन तबलीग, और ये तबलीग चली है 10 नबवी तक, और फिर आपको होता है 10 नबी से मक्का से बाहर की तबलीग जो है ना वो स्टार्ट हो गई, यानी आप सरकार किधर चले गए जी ताए। तो इस तरह मक्की जिंदगी में आपने तबलीग को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 साल खुफिया है, फिर 3 साल से 10 नबी यानी 7 साल क्या है जी खुल खुल्ला मक्का में, और फिर इसके बाद मक्का से बाहर किधर चले गए जी ताए। तो इस तरह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना क्या किया जी तबलीग को मक्का से बाहर भी लेके गए जी। तो अब याद रखिएगा जो पहली तबलीग है उसमें किन लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, मैंने आपको पहले बताया कि हजरत खतीजा तुल कुबरा, उन्होंने सब मर्दों और औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। फिर जो है कि मर्दों में हजरत अबू बकर सदीक हैं जी, बच्चों में हजरत अली हैं जी, हजरत अली करमल्ला वजहू जो है ना जी इनका आपने याद रखिएगा कि ये 9 साल उम्र थी तकरीबन जब आप सल्लम पे इलान नबूवत जो है ना इन्हें आपने किया है, तो उस वक्त सरकारे दो आलम सल्लम की परवरिश में थे हजरत अली करमल्ला वजहू जो है ना जी, सरकार की परवरिश में थे। तो इन्होंने फिर आपके जो आजाद करदा गुलाम है जैद बिन हारिस जो है ना जी, इन्होंने तो ये स्टार्ट वाले लोग हैं जी, इनके बाद में ये सब लोग पहले ही दिन मुसलमान हुए हैं। फिर हजरत अबू बकर सदीक की कोशिशों से कहते हैं कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत तला बिन उबैदुल्ला, और फिर बाद में आप ये देखिएगा कि हजरत उस्मान गनी, हजरत बिलाल, फिर हजरत अबू उबैदा, उबैदा बिन अल जरा जिन्हें अमीनुल उम्मत भी बोला जाता है, हजरत अरकम बिन अबी अरकम, ये आपने याद किया ये वो हैं जिनके घर में तबलीग होती थी जी, जिन्हें दारे अरकम जिनके नाम से जी। तो कहते हैं जो पहले लोग मुसलमान हुए ना इनकी तादाद 40 है, 40 लोग हैं इनके मतलब है कि तादाद बताई जाती है जी। तो यहाँ से तबलीग का आगाज हुआ था जी। तो सारे दोस्त कमेंट कीजिएगा कि जो आपको पढ़ाया है आज इसकी आपको समझ आई है कि नहीं आएगी, क्योंकि ना आप सारे दोस्त जो है कि दोस्तों तक आगे मैसेज जरूर किया करें कि उनको भी ये सारी चीजें जो है वो तक मैसेज चला जाए। तो यहाँ तक बताइएगा कि आपको समझ आई है कि नहीं, क्योंकि कल इंशाल्लाह आपको अगला दौर कराएंगे जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर रिश्तेदारों को आगे की, फिर उसके बाद मक्का के हालात क्या बने वो इंशाल्लाह कल आपको बताएंगे जी। तो आप सारे दोस्त यार कमेंट किया करें और आगे जरूर शेयर किया करें, क्योंकि सोल पर्पज यही है कि इसमें हमने कौन सा आपसे कोई फीस ले रहे हैं ना जी, तो मकसद ये है कि आप दोस्त जो है वो ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करेंगे तो चलो हमारी हौसला अफजाई होती है कि चलो यार हम भी एक मैसेज जो है वो बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंच जाता है। क्योंकि वो मैंने यही सोचा था कि अगर ये सिलसिला प्रॉपर ना चले तो फिर इसको बंद कर देंगे, तो
तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप दोस्त अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर हम पूरा महीना इसको चलाएंगे इंशाल्लाह, और पूरी इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो करेंगे। लेकिन अगर यही सिचुएशन रहा कि थोड़े से बंदे ताकि मैसेज जाए तो फिर इसका फायदा करेंगे। तो ये सब दोस्तों की, जो खास तौर पे आप लोग सेंसियर हैं, क्लास ले रहे हैं, आप लोगों ने ये काम करना है जी, कि आपने आगे अपने जितने आपके सिलसिला है वहाँ पे लिंक शेयर करें, ठीक है ना जी, ताकि फिर वो हम उसको कंटिन्यू कर सके ना जी पूरा महीना। लेकिन अगर रिस्पांस ना आए तो फिर जाहिर बात है कि वो फिर लगता है कि चलो यार टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, फायदा तो नहीं रहा। ठीक हो गया जी, तो इंशाल्लाह कल जो है ना फिर मिलते हैं इसी टाइम। अब क्लास आपकी ना रात को नहीं हुआ करेगी, इधर ही इसी टाइम करेंगे, क्योंकि रात को ना इधर क्लासेस होती हैं तो वो शोर बड़ा आता है, तो इस टाइम जो है ना क्लास होती है तो फिर यहाँ पे ना ये 11 बजे इंशाल्लाह जो है ना कि आपकी क्लास हुआ करेगी। ठीक हो गया जी, चलिए।